चले परली पार जय बद्री विशाल दोस्तों पहला दिन जहाँ भी राजा राधा रानी आइए मेरे साथ आइए तो दोस्तों सिब्बल की महोत्सव का पहला दिन सुबह सुबह हम लोग तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि दोस्तों सिद्धबली महोत्सव का पहला दिन और सुबह मैं आपको लेके गया था सिद्धबली मंदिर से यात्रा लेके तो महोत्सव के पहले दिन अब शाम का वक्त है, रात के 7 बज चुके हैं। इस वक्त मैं हूं झंडा चौक पे और आप देख सकते हो विशाल जनसंख्या है, यहां पे चल रही लाइव परफॉर्मेंस और सिद्धबली महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। अभी थोड़ी ही देर में बहुत सारी झांकियां यहां से निकलेंगी तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। आप सब अपने प्यारे दोस्त प्रेम पहाड़ी नीरज के साथ और आपका स्वागत है ये मेरी जिंदगी पर। तो मेरी बांध छूट गई थी, मिल गई थी। कोटद्वार शहर के झंडा चौक की रौनक आप सबसे मेरे ठीक पीछे हमारा शान से लहराता हुआ तिरंगा जो मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आने के बाद। और आज तो स्पेशल मौका है हमारे शहर के लिए, आप बने रहिएगा और पूरा पूरा मेले की भव्यता मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये आप देख सकते हैं सिद्धबली मंदिर को जाने वाला रास्ता है, इधर से ही अभी बहुत सारी शोभा यात्राएं निकल के आएंगी, सिद्धबली बाबा का पूरा टोला निकल के आएगा, बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे तो आप सब बने रहिएगा। और बहुत बहुत शानदार आज का ब्लॉग होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे द्वार बना हुआ है, इस तरह से कुछ आप देखिए, ये तो शी वॉज अवर सब्सक्राइबर। अंकुरा जी बहुत अच्छा ये चीज़ लगती है कि पूरा शहर जगमगा रहा है इस वक्त, है ना, कि बहुत ही अच्छी फील है। और इधर बाबा का प्रसाद वितरण भी चल रहा है, आप देखिए किया है। तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए शहर के व्यापारियों की तरफ से और सभी लोगों के आपसी सहयोग से संभव हो पाते हैं इतने बड़े आयोजन। तो जब भी किसी ऐसे आयोजन को हम देखते हैं तो यहाँ पे एक एकता का वो दिखाई देता है। और इधर से पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियाँ भी जा रही हैं ताकि मेले में सब कुछ सुचारू रहे। और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ मार्ग की तरफ। तो बहुत सारी जगहों पर प्रसाद वितरण भी हो रहा है और लोग शाम से ही पूरे सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं से आ रहे हैं। तो अभी हम माली उद्यान के पास पहुंचने वाले हैं और कम से कम अब तक हमने 6-7 स्टॉल देख लिए जहां पे प्रसाद वितरण चल रहा है, चाय का आयोजन, चाय वगैरह बांटी जा रही। तो देखिए यहाँ पे भी ये बालाजी मंदिर की तरफ से किया गया है। और मैं ये बता रहा था वहाँ पे शायद शोर में आप सुन ना पाए हो कि सुबह मैं आपको लेके गया था सिद्धबली महोत्सव का, आज पहला दिन है। सुबह आपको हमने यात्रा दिखाई थी सिद्धों के डांडा तक जहाँ पे भगवान हनुमान जी का ध्वजा और ये सब लेके हम लोग गए थे एक ऊँचे पर्वत तक। तो वो व्लॉग भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और शाम के समय में पहले दिन आज निकलती हैं बहुत सारी शोभा यात्राएँ, तो उन्हीं के स्वागत में सभी लोग पूरा शहर उतर के आ गया, उमड़ के आ गया झंडा चौक के पास। तो बस शोभा यात्राएं आगे से आने शुरू हो गई हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम पहाड़ी नीरज और आप सब हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर। तो ये आ गए हम मालवीय उद्यान के पास। अभिमान चाहे गोरा मेरे पूछ माला गले पड़ी, मेरे खक्कर माला गले पड़ी।
शामिल नहीं हो पाए तो अगली बार आप जरूर यहाँ पे आने का आपको भी मौका मिले। Oh.
पहुंच गए नहीं। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स एंड योर सपोर्ट। प्रस्तुतियाँ देखिए दोस्तों, आप बच्चों ने दिल जीत लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी जरूर अच्छा लग रहा होगा। तो इन सब की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। जय मानंदा, जय मानंदा।
यहाँ तो हमारी बिजली मिल गई। चलो सिद्ध बली बाबा की बोल क्या कहना चाह रहा है। इन भैया का चैनल बहुत जल्दी लाइक करना है भैया, बहुत बढ़िया है और बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो बहुत फिर सिपली बाबा की जय। सिपली बाबा की जय। तो हम लोग झंडा चौक दोस्तों क्रॉस कर लिए और अब भीड़ भीड़ देखिए पूरा शहर है। थोड़ा सा हाय, बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो दोस्तों ये मेला अगले 3 दिन तक चलने वाला है हमारे शहर कोटद्वार में, और अगर पहली बार आप चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी झाड़ियों का ये सिलसिला कमाल में रुका नहीं है, बहुत कुछ इसमें भी देखने में और बाकी है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसलिए यही एंड करता हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारा आयोजन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ, कल और परसों भी आपको सिपली महोत्सव देखने को मिलेगा। तो कोटद्वार के झंडा चौक से मैं प्रेम पहाड़ी मेरा साथ नाथ पूना जी आपसे आज लेते हैं विदा। और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहली बार अगर चलते हैं तो बिल्कुल। तो सिद्धली बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखे, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय मंत्री विशाल, जय सिद्धली बाबा।